सभी भाइयों मेरा जय हिंद और वंदे मातरम। आज का वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आज है 16 जुलाई। 16 जुलाई की कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट की भर्ती हुई वो आपको बता देता हूँ। आज 16 जुलाई, 16 जुलाई को राजसमंद जिले के जो भीम, देवगढ़, आमेट, कुमलगढ़, राजसमंद, रेलमगरा, नाथद्वारा और जो गंबूरा, खमनोर, कोटा जिले के जो पिपलादा और आपके दिगोरा हैं, लाडपुरा हैं और रामगंज मंडी और सागोत और कनवासा, इन जिलों की भर्ती हुई है। राजसमंद की और जो अपने कोटा संभाग वाले जो बंदे हैं उनकी भर्तियाँ हुई है। और कौन कौन से तहसील हैं तो आपको कुछ 8-8 तहसील है जो एडिशन की गई है, 6-7 किसी की हैं, किसी में 8 है। तो अलग अलग डेट को अलग अलग भर्तियाँ हो रही है, अलग अलग तहसील वाइज रिलीज़ की गई है। तो अभी जो मेन मुद्दे पे आते हैं कि जिसमें फर्स्ट ग्रुप में कितने बैच बन रहे हैं, सेकंड ग्रुप में कितने बैच बन रहे हैं, दूसरे जो और भी जो बैच बन रहे हैं जो अभी तक निकले हैं उनमें कितने बैच बनते हैं। फर्स्ट ग्रुप की जो आज की जो जानकारी मिली है अभी तक, जो 200 का बैच बना है और उसके साथ में जो टाइमिंग का कुछ 5:30 के एवरेज मिल रहा है, 5:30 के आसपास ये जो टाइमिंग मिल रहा है। दूसरी चीज़, इसमें जो टाइमिंग के साथ मैं आपको बता दूंगा, फर्स्ट ग्रुप में ही आपके 21 से ज़्यादा बंदे सेलेक्ट किए गए हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि जिन बंदों की जो ये टाइमिंग अच्छा आ रहा है, थोड़ा बहुत भी सही आ रहा है, तो आप जो आराम से क्वालिफाई कर दोगे। और एक और चीज़ मेरे दोस्त, आपकी टाइमिंग और बैच कोई डिपेंड नहीं करता, ठीक है, टाइमिंग और बैच कोई डिपेंड नहीं करता। क्योंकि मैंने आपको कल ही एक बंदे का इंटरव्यू करवाया था, तो आपने नहीं देखा वो इंटरव्यू तो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखी है। उसमें जो 5-50 बंदे का आ रहा है फिर भी वो रनिंग क्वालिफाई कर दिया, फिट हो गया। यानी टाइमिंग और ये चीज़ मैटर नहीं करती, ये अंदर आपके जोश है, जुनून है, हौसला है, तो आप रनिंग क्वालिफाई कर दोगे। उस वीडियो को देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें जो बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा सीखने की रहेगी, जो बंदों की रनिंग होने वाली है अभी, वो देख लेना आप, लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, चेकआउट कर देना आप। और इसके अंदर जो भी मैंने जो 2-3 बंदों से बात की जिनका जो फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप था, इसी के आसपास एवरेज पकड़े जा रहे हैं। 200 का ही बैच है, ज़्यादा कोई डिफरेंट चेंज नहीं हुआ है। टाइमिंग का है जो एवरेज बता रहा हूँ, जो 5:30 के एवरेज मिल रहा है, कहीं जो कम भी मिल जाता है कई बार, जो हर ग्रुप में अलग अलग होता है, तो ये आपको बताएं और मुझे बताएं कि जो हर ग्रुप में अलग अलग प्रोसेस रहता है। बाकी जो एवरेज यही है कि इसी के आसपास आपको देने वाले हैं। दूसरी चीज़, सिलेक्शन के जो बंदे पकड़े जा रहे हैं, जो हर एक ग्रुप में लगभग 18, 19, 20, 21, 22, 25 इसके आसपास एवरेज ले रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं ये आंकड़ा बहुत अच्छा है जिन बंदों का जो टाइमिंग अच्छा आ रहा है, एक्सीलेंट में जाने वाले हैं। और बहुत से बंदे जो अभी एक्सीलेंट में भी गए हैं, रियल बोल रहा हूँ भाई, क्योंकि 7 से 8-9 बंदे जो एक्सीलेंट में घुस गए हैं और इसके बाद में जो आने वाले जैसे लगभग सब गुड में गए। तो यानी ये आंकड़ा बहुत अच्छा है जिन बंदों का टाइमिंग अच्छा आ रहा है, थोड़ा बहुत थोड़ा सा भी इंप्रूव कर दिया उसने रनिंग को, सही से हौसले को मजबूत कर दिया, तो शायद ये कहीं ना कहीं ये जो भर्ती हो जाएगा और सेलेक्ट हो जाएगा वो। टेंशन की कोई बात नहीं है। और दूसरी चीज़, कल भी हमने जो एक चीज़ बताई थी और आज भी हम बता देते हैं, एक मेडिकल का जो प्रोसेस चल रहा है, मेडिकल में जो क्या के जो बहुत से बंदे निकल रहे हैं, मेडिकल में क्या है मैं आपको दिक्कत बता देता हूँ। अभी ये जो बहुत से बंदे हमने जो कल भी मैसेज किया हमने और जो परसों भी जो मैसेज आए हैं कि लगातार जो कुछ कलर विज़न के कारण बहुत से बंदे निकल रहे हैं, तो मैं कोशिश करूँगा आज आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूँ कलर विज़न की। यानी आप भी घर बैठे बैठे चेकआउट कर सकते हो कि कलर विज़न कैसे अपना होता है, क्या प्रोसेस होता है, तो उस वीडियो को आराम से देख लेना। लगभग 10 बजे के आसपास वो वीडियो मिल जाएगी आपको। 10 बजे आप वेट करना, 10 बजे आपको वो वीडियो आ जाएगी कलर विज़न वाली, तो आप चेकआउट कर देना। क्योंकि बहुत से बंदे जो कलर विज़न का ही पता नहीं पड़ रहा है कि जो कैसे कलर विज़न होता है, क्या जो कलर विज़न की दिक्कत होती है जिनके कारण बंदे निकल गए, तो वो वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। थोड़ा जो बहुत ज़्यादा जो इसमें ज़रूरी चीज़ें होंगी तो आप समझ लेना उस वीडियो को, ठीक है। तो मैं आपको कोशिश करूँगा उसमें सारे चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। हर वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, तो वीडियो देख दिया करो, ठीक है। और इस वीडियो को जितना फॉलो करना चाहिए, हर दोस्तों को ये इंफॉर्मेशन मिल सके। बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है, टाइमिंग और बैच और जो बंदे कोई डिपेंड नहीं करता है मेरे भाई, आपके अंदर जोश हौसला है तो आप जो आराम से भर्ती हो जाओ। मैं रियल बोल रहा हूँ, कल भी जो कुछ बंदे हैं जो 5:50 के आसपास जिनका टाइमिंग आ रहा है, वो भी बंदे भर्ती हो गए, ये दिक्कत है। और लास्ट में जाके उनको जो बाद में हाइट में 0.5 से बाहर निकाला है। और जो इससे पहले जलालाबाद में हुई भर्ती उसमें भी जो क्या हुआ, ये जो 0.2 बंदे 0.2 सेंटीमीटर बहुत कम होता है, इसकी वैल्यू भी नहीं है इतनी, देख लो, इसके कारण भी बंदे निकल गए। तो यानी हाइट और ये चीज़ें जो ऐसी हैं जो आपको इसमें कोई छूट नहीं मिलती है, इसमें कोई जो वापस दोबारा मौका नहीं मिलता आपको, ना ही इसमें पॉइंट मिलता है कि आप चेकआउट करो। एक बार दो बार चेक कर देंगे, उसके बाद में आपको जो रिटर्न भेज देंगे, ये चीज़ें होती हैं। तो जिन बंदों के जो हाइट में कोई निकाला है या किसी भी रीज़न से आपको बाहर निकाला है, तो आप इम्प्रूव करने की कोशिश करो। फिर आ रही है अपनी सेनापति जो अगस्त के बाद में आने वाली है, जो अपने कलर की रहेगी, दूसरी जो एनए की है, तो उसके जो फॉर्मा वाले भी आने वाले, तो इनके आप तैयारी में जुटे रहो। और इसके बाद में जो आपके मार्च के समथिंग ही आने वाली दूसरी वापस भर्ती जो अपनी नई भर्ती रहेगी 2022 का कोटा, तो बहुत अच्छी ऑप्शन है भाई जिन बंदों को जिस कारण निकाला है। तो आपको ये तो पता चल गया कि जिस वजह मुझे निकाला है उसका पूरा प्रोसेस मुझे पता है कि जो कहाँ से बंदा निकल रहा है, किस रीज़न से निकल रहा है, कौन से जो डॉक्यूमेंट से निकल रहा है, ये सब चीज़ आपको जो अच्छे से पता है अभी,
क्योंकि आपने सेनापति अटेंड किए, तो ये चीज़ ध्यान में रखो और सेनापति में आज जो फिर से जुड़ जाओ, क्योंकि भर्तियाँ आपकी लगातार आना स्टार्ट हो गई, तो आ रही है आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। टीए की भी भर्ती आने वाली है, उसके लिए आप रेडी रहना, वो भी कुछ सितंबर अक्टूबर के आसपास आज आ जाएगी, तो उसके लिए आप रेडी रहो, ठीक है। तैयारी में आप जुटे रहो, जिस प्रकार तैयारी करें उसी प्रकार करते रहो। सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, और इस वीडियो को जितना सके फॉरवर्ड करना, जिससे हर दोस्तों की इन्फॉर्मेशन मिल सके, ठीक है। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद और वंदे मातरम।